नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल प्लांट ग्रीन पे एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे हैंड पॉलिनेशन के बारे में। हैंड पॉलिनेशन क्यों करना ज़रूरी होता है? कई बार आपने देखा होगा पेड़ों के अंदर फूल तो आते हैं लेकिन वो फल में कन्वर्ट नहीं हो पाते, तो उसका रीज़न होता है बैड पॉलिनेशन। तो आज मैं आपको बताऊँगा हैंड पॉलिनेशन कैसे किया जाता है। जैसे आप देखिए, ये एक लौकी की बेल है, इसमें ये एक मेल फ्लावर है और ये एक फीमेल फ्लावर है। अब इन दोनों के बीच में पॉलिनेशन करना पड़ेगा, क्यों? ताकि ये फल बड़ा हो सके, अच्छी तरीके से मैच्योर हो सके। अब हम हैंड पॉलिनेशन कैसे करेंगे? पहले हम इस मेल फूल को यहाँ से तोड़ लेंगे कुछ इस तरह। अब जो इसके बीच का आप हिस्सा देखेंगे, ये एक एक करके धीरे धीरे इसकी सारी पत्तियां हटा दे। ये देखिए, अब ये जो इसके बीच का जो ये हिस्सा है, ये है मेल पॉलन। अब इसको फीमेल पॉलन, यानी मैं आपको दिखाऊंगा जो ये वाला हिस्सा है, ये देखिए ये वाला, इस पर हमें बराबर से मिलाना है। ये बीच वाला हिस्सा फिक्स इसके बीच वाले हिस्से में मिलना चाहिए ताकि पॉलिनेशन की प्रोसेस हो सके। ये देखिए बहुत इजी है, ये बीच वाला हिस्सा है इसका, ये देखिए इसको इसके बीच वाले हिस्से में कुछ इस तरीके से रब करना है। ये पॉलिनेशन हो गया। सो आप देख सकते हैं हैंड पॉलिनेशन का रिजल्ट, ये फल में कन्वर्ट हो गए, ये देखिए सारे। छह दिन बाद ये सब फल में कन्वर्ट हो गए। तो अब हम किन किन में हैंड पॉलिनेशन कर सकते हैं? बेल वाली सभी सब्जियों के पौधों में हम हैंड पॉलिनेशन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।